हेलो एवरीवन वेलकम टू डिस्कशन सेशन ऑफ इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट हम लोग टेक्स्ट फाइव का डिस्कशन को देखेंगे तो देखिए पह, पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज इन एएम एम ब्रॉडकास्ट इज एम ब्रॉडकास्ट में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग कितना हाइएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं तो फाइव किलो हर्ज का यूज करते हैं वही एफएम ब्रॉडकास्ट में कितना हम लोग मॉडलेटिंग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं फिफ्टीन किलो हर्ज का एफ एम में फिफ्टीन किलो हर्ज और ए एम में फाइव किलो हर्ज सेकेंड क्वेश्चन है द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यू एच एफ रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम यू एच एफ का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है तीन सौ मेगा हर्ज से तीन हजार मेगा हर्ज ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वी एच एफ रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम फ का रेंज कहा से कहां तक तो होता है तो तीस मेगा हर्च से 300 सौ मेगा हर्ज कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या है एक प्रोसेस है एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पचवा क्वेश्चन है ए कैरियर ऑफ 100 हंड्रेड वाट इज मॉडुलेटेड टू द डेप्थ ऑफ 50 परसेंट द टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज पी दिया हुआ है पी सी इज टू कितना दिया हुआ है वन हंड्रेड वाट एम दिया हुआ है फिफ्टी परसेंट जीरो पी टी निकालना है तो पीटी टू क्या होता है पीसी वन प्लस एम स्क्वायर या म्यू स्क्वायर लिखिए म्यू या एम से हम लोग मोडुलेशन इंडेक्स को डोनेट करते हैं तो पीटी स्क्वल टू कितना जाएगा एक सौ बारह दशमलव कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ए एम द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी शुड ऑलवेज बी एम में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी से कम होता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है और कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हाई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है इफ द डेविएशन इज सेवेंटी फाइव किलो हर्ज एंड मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज फाइव किलो हर्ज वाट इज द बैंड ऑफ एन एफ़एम वेव एफ़एम वेव का बैंड क्या होगा तो बैंड इज इक्वल टू क्या होता है टू डेल प्लस एफ तो कितना हो जाएगा टू पचहत्तर प्लस पांच. पचहत्तर पाँच अस्सी बटे अस्सी गुने दो कितना हो जाएगा एक सौ साठ किलो हर्च कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पी ए एम पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन पी डब्ल्यू एम पल्स विथ मॉडुलेशन एंड पी पी एम पल्स पोजिशन मॉडुलेशन आर द टाइप्स ऑफ कौन सा टाइप है एनालॉग पल्स मॉडुलेशन का एनालॉग पल्स मॉडुलेशन का टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एना लॉ कौन सा सिस्टम एना लॉ है तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन ऑप्शन डी पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन क्या है एना लॉ मॉडुलेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कैरियर इज नोन एज कैरियर से जो हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिकवर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो डिटेक्शन बोलते हैं या डी मॉडुलेशन बोलते हैं डिटेक्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन कॉस्मिक नॉइज इज काउ्ज बाय कॉस्मिक नॉइज किसके कारण होता है डिस्टेंट स्टार्स ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आई एफ फोर ए एम रिसीवर इज इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम के लिए कितना होता है तो चार सौ पचपन किलो हर्ज और एफ एम के लिए कितना होता है टेन पॉइंट सेवन मेगा हर्ज एफ एम के लिए इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आई एफ कितना होता है टेन पॉइंट सेवन मेगा हर्ज फॉलोइंगेब्स आर ट्रांसमिटेड इन टीवी ब्रॉडकास्ट टीवी ब्रॉडकास्ट में कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट होता है कौन सा वेबीटी साइड बैंड नेक्सटेंड फ्रॉम एच एफ का रेंज कहा से कहा तक होता है तो तीन मेगाहर्ट से तीस मेगाहट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द इनपुट ट्रांसड्यूसर इन ए कॉम्युनिकेशन सिस्टम इज ट्रांसड्यूसर का क्या काम है ट्रांसड्यूसर क्या करता है कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है जैसे कि आप साउंड कुछ बोलते हैं या लाइट उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा टू कन्वर्ट मैसेज साउंड सिग्नल इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्शन सी तो ये आपका फिफ्टीन क्वेश्चन था टेस्ट फाइव का जो हम लोग देखे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Thank you so much.